हेलो माय डियर स्टूडेंट्स तो पीटी थ्री एग्जामिनेशन और सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन के लिए एक सीरीज़ मैंने बनाई है दैट इज़ कॉल्ड फार्मूला फोरटीन इसमें हर चैप्टर से हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और उस पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो इस तरह से फोर्टीन चैप्टर्स के फोर्टीन क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं तो इससे क्या होता है ओवरऑल सिलेबस का रिविजन भी हो जाता है एंड बच्चे के लिए न्यू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं सो लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन फ्राम फर्स्ट चैप्टर फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन वन अपॉन फोर एंड थ्री अपॉन फोर अब वन नंबर आपको फाइंड करना है तो सो मैनी एंड मोर मैथड आर देयर सपोज वन बाई फोर एंड थ्री बाई फोर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं वन के बाद टू आएगा टू के बाद थ्री आ गया इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं टू बाई फोर टू बाई फोर का मीनिंग हो जाता है वन बाई टू ये नंबर जो वन बाई टू है ये बिटवीन वन बाई फोर एंड थ्री बाई फोर है अगर किसी स्टूडेंट ने टू बाई फोर भी लिखा हुआ है और उसको कैंसिल नहीं कर पाया है वो इस तरह से वन बाई टू में तो वो भी करेक्ट मान लिया जाएगा बट मेन मेथड से भी अगर आप देखें मेन मेथड से अगर आप निकालेंगे तो दैट इज द हाफ ऑफ कितना हो जाएगा वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर यह मेन मैथड होता है हाफ ऑफ थ्री प्लस वन डिनोमिनेटर सेम है दोनों में तो इट विल बी फोर अपॉन फोर राइट फोर से फोर कैंसिल आंसर हाफ आ जाएगा आपका राइट सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के In px is equal to x square plus x plus k. If x minus 1 is a factor of px, so first we let x minus 1 is equal to 0, then put x is equal to 1 in polynomial. Right? Put in polynomial px. So it will be px is equal to x square plus x plus k. When you put x is equal to 1 in this polynomial,

इफ एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू वन इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सो दिस इक्वेशन इज टू एक्स प्लस थ्री वाई दैट इज इक्वल टू के सोल्यूशन ऑफ एक्स इज टू एंड सोल्यूशन ऑफ वाई इज इक्वल टू हे वन दैट इज इक्वल टू के फाइनली आंसर टू टू जब फोर प्लस थ्री इन टू वन दैट इज इक्वल टू के इसका मीनिंग ये हुआ के की वैल्यू क्या आ गई सेवन Right, next question is, one of the angles of a triangle is 35 degree. Okay, and the other two angles are equal. Suppose, we draw a triangle, correct. In this triangle, one angle is 35 degree and other two angles are equal. Suppose, x and x degree. So, by the angle sum property of a triangle, x plus x plus 35, दैट इज़ इक्वल टू टू जीरो लिखना पड़ेगा यहाँ पर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल राइट इज इक्वल टू वन एट्टी सो वन एट्टी माइनस थर्टी फाइव करेक्ट आई थिंक इट इज हाउ मच टू एक्स इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो आएगा वन हंड्रेड फोर्टी फाइव एंड एक्स इज इक्वल टू वन फोर्टी फाइव अपॉन टू आप एंगल को ऐसे भी लिख सकते हो अदरवाइज टू सेवन फोर्टीन टू टू जाएंगे हैं जो डिग्री। ओके सो लेट्स वी टेक न्यू क्वेश्चन प्लीज द न्यू क्वेश्चन इज गिव द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस टू एंड 6 सो minus टू goes फॉर x एंड 6 goes टू y. One इज abscissa, अदर इज ऑर्डिनेट अब हमें वो इक्वेशन फाइंड करना है इक्वेशन अगर हम x और y दोनों ही एक लाइन में इस तरह से लिखें x plus y. तो minus टू plus सिक्स क्या हो जाएगा आपका minus टू plus सिक्स इट इज x plus y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 करेक्ट तो आपका इक्वेशन बन गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर राइट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शायद सर्कल चैप्टर से है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओके सो यू लेट दिस टू पॉइंट ए बी एंड सी डी नो प्रॉब्लम तो आपको अब आप पता लगाना है एक्स और वाई का सो यू राइट नाउ हियर एंगल ए डी बी पहले तो ये लिखिएगा ए डी बी दट इज इक्वल टू ए सी बी रीजन क्या हुआ सेम सेगमेंट एंगल्स क्या लिखेंगे इसको सेम सेगमेंट एंगल्स करेक्ट प्लीज अब आपको क्या करना है ए डी बी इज इक्वल टू लिखना है हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी सो इसके लिए आपको पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट रहेगा एंगल सब्ट एट देंटर इज डबल द एंगल सब एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ओके सो हाफ ऑफ एज गिंग आई थिंक सेवेंटी सेवेंटी ही है और आपका आंसर आ जाएगा थर्टी फाइव डिग्री यही वैल्यू आपकी एक्स की भी होगी और क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई आप यहाँ पर सेम सेगमेंट एंगल से ला चुके हैं तो ये हो जाएगा वाई तो एक्स इज इक्वल टू वाईल टू थर्टी फाइव डिग्री करेक्ट क्वेश्चनी बाई फोर सेंटीमीटर बाय टू सेंटीमीटर फाइंड इट्स डायगोनल वेरी नाइस क्वेश्चन बट नाइन्थ के एनसीईआरटी में डायगोनल का फॉर्मूला कहीं दिया नहीं है लेकिन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर डिस्कस करे कि अगर मान लीजिए हमारा ए बी सी और ये डी फोर पॉइंट है तो हमारा जो डायगोनल होगा वो ये होगा रूम का डायगोनल ऐसे 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 करेक्ट लेकिन इसकी लेंथ क्या है फाइव सेंटीमीटर ब्रेथ क्या दिया हुआ है फोर सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन टू सेंटीमीटर सो अगर हमारे पास ये डायगोनल डी है ध्यान से देखिएगा डायगोनल डी दैट इज ए डी इज इक्वल टू रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वैल्यू एल फाइव स्क्वायर आई थिंक इट इज़ ट्वेंटी फाइव फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन एंड एच स्क्वायर इज टू सो इट इज ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन प्लस फोर सो सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी हो गया और प्लस ट्वेंटी फाइव करेंगे तो रूट फोर्टी फाइव आ जाएगा अगर किसी ने डायगोनल एंथ रूट शॉट फोर्टी फाइव लिखी है तो मैं वो भी करेक्ट मान लेता हूँ अदरवाइज फैक्टर फाइंड करके थ्री थ्री या नाइन नाइन फाइव या फोर्टी फाइव सो थ्री रूट फाइव सेंटीमीटर लिखोगे तो और अच्छा आंसर आपका बन जाएगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो नेचुरल है जोमेट्री पढ़ते समय बच्चे को हमेशा ये बताया जाता है प्लीज सी द लैंग्वेज एंड बिहेव अकॉर्डिंगली तो अगर ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए आप अगर लेट करेंगे तो एंगल ए हो जाएगा आपका कितना 2x एंगल बी हो जाएगा आपका 4x एक्स एंड एंगल सी इज थ्री एक्स इफ दीज थ्री एंगल्स यू हैव देन यू हैव टू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल एंगल ए प्लस और एक्टिविटी में भी आपने किया होगा सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 एट्टी डिग्री करेक्ट सो इफ इट इज़ वन एट्टी देन वट डू यू थिंक अबाउट टू एक्स प्लस फोर एक्स

एंड लास्ट इज सी 3x. एक्स इट इज ट्वेंटी थ्री या सिक्सटी डिग्री अब होना ये चाहिए कि हर बच्चे को एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको चेक कर लेना चाहिए कि इन तीनों का सम वन एट्टी आ रहा है या नहीं आ रहा है आ रहा है करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन नंबर नाइन अगेन इट इज आल्सो रिलेटेड विद द रेशियोज अब रेशियो में बारे में दिया हुआ है तो आप एक क्वारिलेटर बना लीजिए इस तरह से क्योंकि एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल तो जैसे ही आपको क्वाड्रिलेटरल uh, के फोर एंगल्स को लेट करेंगे तो लेट करिए लेट एंगल ए इज इक्वल टू थ्री एक्स एन सी आर टी का क्वेश्चन है ये एंगल बी इज इक्वल टू फाइव एक्स एंड एंगल सी इज इक्वल टू नाइन एक्स एंड एंगल डी इज इक्वल टू थर्टीन एक्स क्वाडिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है व्हाट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दट इज इक्वल टू वन नहीं थ्री हंड्रेड सिक्स लिख सकते हैं यूजिंग ऑफ ए क्वाडिलेटर एंगल समर्टी ऑफ ए क्वाडिलेटर ओके सो पुट द वैल्यू एंगल ए थ्री एक्स बी फाइव एक्स सी नाइन एक्स and d is 13x that is equal to 360 please collect all x to sabhi तो सभी sum का सम करेंगे तो कितना आएगा फाइव 8x थ्री एट एक्स एट एक्स प्लस नाइन एक्स कितना हो जाएगा सेवनटीन एक्स और सेवनटीन प्लस थर्टीन करेंगे वेरी गुड थर्टी x आ जाएगा थर्टी एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री देन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आई थिंक नहीं ट्वेल्व भी आएगा सो so, एंगल uh, क्या हो जाएंगे देखेंगे नाउ एंगल्स आर एंगल ए हो जाएगा थ्री इंटू ट्वेल्व थर्टी सिक्स डिग्री एंगल बी कैसे आएगा फाइव इंटू ट्वेल्व थर्टी सिक्सटी डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू नाइन इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व नाइन या वन जीरो एट डिग्री एंड एंगल डी इज थर्टीन इंटू मच ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव कितना हुआ थर्टी थ्री ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स डिग्री अगेन चेक पॉइंट चेक पॉइंट ये है कि आर दीज फोर एंगल्स क्वेश्चन प्लीज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर है सो प्लीज मेक ए सिलेंडर इसका यूज क्या है आप अपने आप समझ जाओगे एच हाइट इसका दे रखा है कितना फोर्टीन सेंटीमीटर एंड कर्ब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो गिवेन हाउ मच एटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू पाई आर एच एटी एट पुट द वैल्यू टू पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन एंड रेडियस क्योंकि इन्हें डायामी चाहिए तो रेडियस फाइंड करनी है हाइट है आपका फोर्टीन एंड एटी एट ट्वेंटी टू वन जा ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी टू फोर जा अब टू से भी कैंसिल कर लो टू टू जा इस से भी कैंसिल कर लो टू सेवन जा आर सेवन अपॉन सेवन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मीटर में है सेंटीमीटर में है टू आर टू इंटू वन दट इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इलेवन इन दिस फॉर्मूला फोर्टीन इस्म इंडोर ग्रीन हाउस हर वेड इंटायरली ऑफ द ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टूगेदर विथ टेप इट इज थर्टी मीटर लॉन्ग एल दिया है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर वाइड ब्रेथ हो गया और ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर हाई हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल ट्वेल्व एजेस इसमें फिर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ किसी भी क्यूबॉयड में हाउ मैनी एजिस ट्वेल्व होती है बट उस ट्वेल्व एजेस में ये लेंथ है ये लेंथ है एक लेंथ ये है एक लेंथ ये सो फोर लेंथ हो जाएगी फोर ब्रेथ हो जाएगी फोर हाइट हो जाएगी ओके okay? अब आपसे पूछा है इन सभी पर आपको टेप लगानी है टेप 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 प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो कई बार यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टेप रिक्वायर्ड या नीडेड ओके, फॉर ग्रीन हाउस अब ग्रीन हाउस के लिए अगर आप लिखेंगे तो ये भी लिखिए ब्रैकेट में क्यूबॉ तो दैट इज हाउ मेनी एल फोर एल प्लस फोर बी प्लस फोर एच फोर कॉमन ले लीजिए तो एल प्लस बी प्लस एच द वैल्यू फोर इन टू थर्टी है एल सेंटीमीटर में है ट्वेंटी फाइव ये है वाइड ट्वेंटी फाइव है आपका हाइट फोर इंटू फिफ्टी प्लस थर्टी हाउ मच यस एट्टी इंटू एट्टी 320 सेंटीमीटर टेप चाहिए अगर आप आंसर मीटर में दिया है डिवाइड बाय हंड्रेड थ्री पॉइंट टू जीरो मीटर आंसर फुल मार्क्स यहां भी मिलेगा और फुल मार्क्स आपको यहां भी मिलेगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सी वेरी सिंपल क्वेश्चन पी क्यू इज ए लाइन ओके इफ पी क्यू इज ए लाइन देन देयर आर थ्री एंगल्स ऑल एंगल्स आर लीनियर पेयर देयर फोर राइट डायरेक्टली विद पी क्यू इज ए लाइन सो आपको ये राइट मिल गया कि थर्टी डिग्री प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स दैट इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री बट ब्रैकेट में लिखिए लीनियर पेयर एंगल्स सो हाउ मैनी एक्स टेन एक्स एंड वन एट्टी माइनस थर्टी इट इज वन फिफ्टी सो एक्स इज इक्वल टू ओनली फिफ्टीन करेक्ट तो उन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी थी आपसे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका फिफ्टीन डिग्री वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन इफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेज की वेन एक्स पावर ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी वन इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वट इज अ रिमाइंडर सी अगर ये डिवाइड किया जाएगा तो हमें लेट करना पड़ेगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन अब इसको हम पुट करेंगे कहाँ इन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कौन है आपका पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी वन सो जो भी वैल्यू एक्स की वैल्यू वन पुट करने पर इस पॉलिमियल में पी एक्स इक्वल टू में आएगी वही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा सो इट इज वन प्लस ट्वेंटी वन टोटल कितना आएगा इसका ट्वेंटी टू रिमाइंडर हो गया ट्वेंटी टू अब इस साल क्या है वो डिलीटेड हो गया नहीं तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपको सिखा देता x माइनस वन से जब हम x पावर ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी वन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा वही आएगा ट्वेंटी टू करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इट इज सेज टू वन पॉइंट फोर वन फोर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन रूट टू डियर स्टूडेंट्स होता यह है कि मोस्टली बच्चे जिन्होंने एक भी बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो वो रूट टू की वैल्यू यहीं रख करके बहुत परेशानियां मोल ले लेते हैं कि डेसिमल हटाते हैं थ्री जीरो लगाते हैं फिर डिवाइड करते हैं नहीं इसको छोड़िए आपने सीखा होगा चैप्टर वन में कि इफ देयर इज वन रूट टू एंड मल्टीप्लाई बाय रूट टू न्यूमरेटर एंड denominator. So, it becomes root 2 upon 2. Now, put the value of root 2, 1.414. Then, it's divided by 2. You divide it. 0 point, dekhega, 2, ja, 14. 1 cannot be divided. So, again, 2, 7, ja, 14. So, this is the value of 1 upon root 2. Correct? So, thank you very much. अगर आपने इसमें से एक भी क्वेश्चन का कोई छोटा सा भी टिप सीखा हो तो प्लीज लाइक like और सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल